खबर डोईवाला से है, जहां जम्मू के कठुआ में सोमवार को आतंकवादी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें डोईवाला के 29 वर्षीय विनोद सिंह भंडारी पुत्र वीर सिंह भंडारी भी आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए। बता दें, मंगलवार को सभी वीर जवानों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से जौली ग्रांट एयरपोर्ट लाए गए, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वही बुधवार को डोईवाला के अठुरवाला में विनोद सिंह भंडारी के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि सिर्फ 29 साल की उम्र में देश की सेवा करते विनोद सिंह भंडारी ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इस दौरान लोगों में पाकिस्तान के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। डोईवाला से जावेद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने जो कायराना हमला फिर किया है, क्योंकि आज तक का इतिहास है कि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता है। इस प्रकार से इस प्रकार आतंकवादियों को भेजकर छुटपुट घटनाएं वो अक्सर पाकिस्तानी करते रहते हैं। हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान जो हमारे उत्तराखंड के हैं, उन्होंने इसमें अपनी आहुति दी है। इनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। हमारी सेनाओं ने लगातार उनको वहाँ पर घेर रखा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और इनके बलिदान का बदला हमारी सेनाएं जरूर लेंगी। इस दुख की घड़ी में मैं उनकी माँ से मिला, विनोद की मैं उसकी पत्नी से मिला, मैं उसकी दादी से मिला, 2.5 माह की उसकी छोटी बच्ची मैंने उसे गोद में पकड़ा। मैं कल्पना कर सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस परिवार पर क्या बीत रही होगी। इस दुख की घड़ी में पूरी प्रदेश की सरकार, पूरी देश इनके साथ खड़ा है, और जो हर संभव मदद होगी इस परिवार को दी जाएगी।